गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें आप सीखेंगे समास, वो भी चार लाइनों में। बिल्कुल सही सुना, चार लाइनों में मैं आपको समास समझाऊंगा, एक ऐसी डेफिनेशन जिसमें आप आसानी से समास समझ सकोगे और उससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है उनका आसानी से आंसर दे सकोगे। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले समास के बारे में अपन जानेंगे, इसके क्या भाग होते हैं, क्या मतलब होता है और कैसे बनकर के समास बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समास सम धन आस, सम का अर्थ है पास एवं आस का अर्थ है बैठना, अर्थात पास पास बैठना या मिलना। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधित शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तब उनके मेल को समास और उन मिले हुए शब्दों को सामाजिक शब्द या पद कहते हैं। और इन शब्दों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं, जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार का विग्रह होगा चिड़ियों को मारने वाला। समस्त पद सामाजिक शब्द का विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे पाठशाला, पाठशाला में पूर्व पद पाठ व उत्तर पद शाला है। ये जो आपने पढ़ा ये समास के बारे में था, समास को समझने के लिए था कि किस प्रकार समास को समझा जा सकता है, किस प्रकार समास के भाग होते हैं, क्या मतलब होता है समास का। अब आगे जानेंगे, संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो समास के चार प्रकार होते हैं, पर अपन हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी भाषा में, हिंदी जगत में समास के छह प्रकार मान्य हैं या छह भाग प्रचलित है, वो अपन जानेंगे अभी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चार लाइनों में समास समझाऊंगा आपको, वो चार लाइनें हैं, द्वंद में और छिपे दीगु में गणनापद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास का आवत है, अव्ययी से अव्ययी भाव रहे कर्मधारय विशेषण आवत है, बहुवीर्य में अन्य प्रदान रहे न कोई पद आवत है। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने ये जो चार लाइनें बताई आपको इन्हीं के द्वारा, इन्हीं में छुपा है उन छह समासों की परिभाषाएं और उनका अर्थ, इनको आपको समझना है। मैं भी आपको ये चार लाइनों का मतलब एक्सप्लेन करता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। द्वंद में और छिपे, द्वंद, द्वंद समास जो आपका पहला बनता है, द्वंद में और छिपे अर्थात वह समास जिसमें और अथवा आदि का लोप होता है वह द्वंद समास कहलाता है। इसके अलावा अगली लाइन अपने दीगु में गणनापद आवत है, दीगु, दीगु समास अर्थात दीगु समास वह है जिसमें पहला पद गणनापद आता हो। जैसे आपने कई वाक्य सुने होंगे, कई शब्द सुने होंगे जैसे त्रिभुवन, त्रि चौराया, तिराया, ऐसे जो शब्द होते हैं इनमें दीगु समास होता है, अर्थात वह शब्द जिसका पहला वर्ण गणनात्मक हो वह दीगु समास का होता है। अगला है बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास का होता है, अर्थात बीच में कारक चिन्ह, बीच में कारक चिन्ह जैसे का, के, की, रा, रे, री आपने पढ़ा होगा, उनका अगर शब्दों का लोप होता हो तो वहां क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार अव्ययी से अव्ययी भाव रहे कर्मधारय विशेषण आवत है, अव्ययी अगला समास है, अव्ययी, अव्ययी से अव्ययी भाव रहे अर्थात
ऐसे शब्द जिनका मतलब जैसा का तैसा रहता हो, उनमें हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। इस प्रकार अपन ने आगे पढ़ा कर्मधारय विशेषण आवत है। कर्मधारय, कर्मधारय समास अगला है जिसमें अपने विशेषण मतलब कोई ऐसा शब्द आता है जो विशेषता बताता है, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है, मतलब वे शब्द जिनमें पूर्व पद उत्तर पद की विशेषताएं बताते हो। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, पहला शब्द जो अंतिम पूर्व पद उत्तर पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, अगला है बहुवीर्य में अन्य प्रधान रहे न कोई पद आवत है। बहुवीर्य समास, बहुवीर्य समास अर्थात इसमें बताया है कि अन्य पद प्रधान रहता है, मतलब कोई अन्य तीसरा ही अर्थ निकल के आता हो वहां बहुवीर्य समास होता है। न कोई पद आवत है मतलब कोई इसका पद नहीं आता, ना उत्तर पद ना पूर्व पद, कोई पद नहीं आता, इसका अन्य तीसरा ही अर्थ निकलता है। इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये अपने जो छह प्रकार के समास होते हैं हिंदी में जो चलते हैं, पहला ये तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास, द्वंद समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये जो छह प्रकार के समास है इन्हीं में से सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब इन चार लाइनों की परिभाषाओं के आधार पर आप आने वाले एग्जाम में हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकोगे। चलिए मैं आपके लिए एक कुछ क्वेश्चनों की क्विज रखता हूं, आप उनमें बताना कि कौन सा प्रश्न आप देखते ही कर दोगे। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिए, जिस सामाजिक पद में प्रथम पद अव्ययी हो परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्ययी बन जाता हो उसमें समास होगा। ऑप्शन है बहुवीर्य, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी शिक्षक की एग्जाम में पूछा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको उन्हीं चार लाइनों के आधार पर देख के इसका आंसर करना है। आपने पढ़ा कि अव्ययी से अव्ययी भाव रहे, बिल्कुल देखा इस पर, इसमें भी यही पूछा है कि जिस सामाजिक पद का प्रथम पद अव्ययी हो और परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्ययी बन जाता हो, तो पूर्ण पद अव्ययी हो रहा है तो सही है, अव्ययी भाव समास होगा, तो इसमें होगा आपके अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाँ द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन और बुधे। इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है द्विगु समास का उदाहरण है, देख के बताइए। उन चार लाइनों को भी जो मैंने बताया था उनको याद कीजिए, उनको देखिए स्क्रीन पे आपके है कि कौन से में द्विगु समास का क्या उदाहरण बताया था। बिल्कुल द्विगु में गणना पद आवत है, बिल्कुल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला वन गणना पद आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीन त्रिभुवन, मतलब वे शब्द जिनका पहला वर्ण गणनात्मक हो, जैसे चौराया, त्रिभुवन, तिराया, ऐसे शब्दों में हमेशा द्विगु समास होता है, तो आपका उत्तर होगा त्रिभुवन। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल निम्न में द्वंद समास का शब्द है, बिल्कुल आपके लिए अगला क्वेश्चन है निम्न में द्वंद समास का शब्द है। आपके ऑप्शन है आजकल, रातों रात, अगला है दिन दिन और से अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चार वीर पुरुष। आपको इसमें से बताना है कि इसमें द्वंद समास का उदाहरण कौन सा है। आपने पढ़ा था चार लाइनों में जो मैंने आपको बताया
कि द्वंद में और छिपे, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें और शब्द का लोप हुआ है। ऑप्शन नंबर ए रातो, ऑप्शन नंबर ए आज और कल। बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में और शब्द का लोप हो रखा है आज और कल, तो इसका उत्तर भी पहला होगा। मैंने बताया कि इन चार लाइनों के आधार पर आप समाज से बनने वाले हर क्वेश्चन का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो इन चार लाइनों को याद रखें, इसमें हर समाज की परिभाषाएं हैं, बिल्कुल पूरे छह समाज की परिभाषाएं हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, अंधकूप शब्द के शब्द में समास है। अंधकूप शब्द में समास है, आपके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुवीर्य, अव्ययीभाव और द्वंद। कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंधकूप शब्द में समास होगा? तो इसके लिए आप पहले जो अंधकूप शब्द है इसका समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करने पर आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। तो द्वंद, अंधकूप, अंधा है जो कूप, इसका समास विग्रह किया अपन ने, अंधकूप, अंधा है जो कूप। आपको मैंने बताया था कि कर्मधारय विशेषण आवत है, मतलब वह शब्द जिसमें पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता विशेषण बताता हो वह क्या होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। तो देखिए इसमें अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप, कूप जो उत्तर पद है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, पूर्व पद बता रहा है कि जो कुआ है वह अंधा है, अंधा है जो कूप। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मतदाता शब्द में समास है। मतदाता शब्द में समास है, आपके ऑप्शन है अव्ययीभाव, द्वंद, द्विगु और तत्पुरुष। बिल्कुल देखते ही उत्तर करना है, ज्यादा कठिन नहीं है, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मतदाता शब्द से में समास है, मतदाता शब्द में समास है, मतदाता का पहले समास विग्रह कीजिए, मत के लिए दाता, मत के लिए दाता, तो के लिए शब्द आया, तो के लिए क्या है, कारक चिन्ह है, और आपने पढ़ा था कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कावत है, अर्थात जिन शब्दों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें आपका उत्तर होगा उत्तर चार, तत्पुरुष। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, रघुपति शब्द उदाहरण है। रघुपति शब्द उदाहरण है, आपके ऑप्शन है द्विगु, द्वंद, बहुवीर्य और कर्मधारय। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो रघुपति शब्द का सही समास है, तो देखिए और बताइए। सबसे पहले आप रघुपति, आपने अभी चार लाइनों में पढ़ा कि अव्यय ही से उसोय, आपने चार लाइनों में पढ़ा बहुवीर्य में अन्य पद प्रदान रहे न कोई पद आवत है, तो अन्य पद प्रदान रहे, देखो रघुपति यानी अर्थात भगवान श्री राम, तो रघुपति न रघु और पति दोनों ही पूर्व और उत्तर पद में कोई मेल नहीं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, केवल तीसरा अर्थ निकल रहा है अर्थात अन्य अर्थ निकल रहा है भगवान श्री राम, रघुपति का मतलब होता है भगवान श्री राम। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा बहुवीर्य, मतलब उत्तर नंबर तीन। तो इसी प्रकार आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, उसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है, वो है आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है। निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है, ऑप्शन आपके सामने है यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा और पंकज, ये
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।